जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल से बुधवार की तड़के सुबह एक ऐसा कैदी फरार हो गया जिसका लकवे का इलाज चल रहा था। फरार कैदी की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और इस मामले में एक प्रहरी को निलंबित कर दिया गया है। जबलपुर में अस्पताल से कैदी के फरार होने की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक और तो उसकी सुरक्षा पर लगे प्रहरी की लापरवाही सामने आई है, तो वहीं पर जबलपुर के सरकारी अस्पताल में कैदी को दिए गए उत्कृष्ट इलाज पर भी पूरे महकमे में चर्चा हो रही है। जेल से लेकर अस्पताल तक कर्मचारी यह चर्चा कर रहे हैं कि जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में व्हीलचेयर पर आए कैदी को इतना बढ़िया इलाज मिला कि वह डिस्चार्ज होने के पहले ही फरार होने की स्थिति में आ गया। बंदी जो हमारे बीमार बंदी रहते हैं, कोशिश करते हैं पुलिस गार्ड मिले, नहीं मिल पाता है, इमरजेंसी में डॉक्टर भेजते हैं तो मेडिकल कॉलेज में उपचार होता है। करीब करीब 10-12 बंदी तो वहाँ रहते ही रहते हैं। एक बंदी आया था आपका सिहोरा जेल से, ट्रांसफर पर आया था ये मार्च के करीब। ये बंदी पूरी तरह जला हुआ था, शरीर में फफोले पड़े हुए थे और चलने फिरने में असमर्थ था, व्हील चेयर पर था और इसकी स्थिति खराब हो रही थी, तो डॉक्टर ने इसको रेफर किया हुआ था, तो इसको व्हील चेयर पर इमरजेंसी में भर्ती किया। वहाँ अलग अलग जगहों पर रहा, अलग अलग यूनिट में रहा, अभी वर्तमान में वो आईसीयू में भर्ती था और आईसीयू से वो फरार हुआ है। एक प्रहरी है नरेश खंडाते, जिसकी घोर लापरवाही रही देखने को मिली थी, जो प्राथमिक दृष्टि नज़र में आ रहा था कि इस प्रहरी की लापरवाही रही, उसने किसी प्रकार से हथकड़ी को खिसकाया, हथकड़ी से निकाल करके वो फरार हुआ। प्रातः ही सूचना प्राप्त जैसे ही हुई, स्टाफ को भेजा, हमने टीम भेजी हुई है, पुलिस को FIR दर्ज करा दी गई है और उस प्रहरी को तत्काल प्रभाव से हमने निलंबित कर दिया। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कोशिश ये रहती है कि कहीं भी कोई लापरवाही सामने ना आए, और मैं विशेषकर पर्यवेक्षण के उसमें संदर्भ में बहुत कड़क हूँ। अभी मैंने 8-10 बंदियों को इसीलिए कड़ी कार्रवाई की, टर्मिनेट तक भी किया है जिनकी घोर लापरवाही पाई गई, तो इस प्रकार से मैं समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। ये बंदी मिल जाएगा ऐसा आशा है, जहाँ इसके बहन और इसके लड़के उसका पुत्र ये आता था मिलने के लिए और इनका पता ठिकाना हमने ले लिया है। संभवतः लड़का कल से था, उसका हाथ में प्रतीत होता है और मिल जाएगा। और ये 3-4 प्रकरणों में आया था, 376 का है, 376 का है, 379, 2527, 28, इस प्रकार 3-4 प्रकरणों में ये बंदी था। सर ये रहने वाला कहाँ का? ये रहने वाला था होशंगाबाद का।